मुझे बाहर आने दो, आने दो मुझे। कॉफी? हाँ यस प्लीज। कॉफी मलाई वाली बगैर चीनी की, जल्दी। अच्छी मेमोरी है। डेव की कोई खबर? हाँ, वो आने वाले कार्गो जहाजों को शूट कर रहा है। हाँ। ए, क्या तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात हुई? हाँ, उसी के बारे में। पूछने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है इसमें। वो एलन है। पॉलिना, वाओ। हाय। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हे, ये मेरा एसोसिएट है टाइलर, ये मेरा आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट है। टाइलर, हाय। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ओके, मैं डेव को लेकर आता हूँ। तुम कॉफी पीना चाहोगे? सॉरी। हाँ। मैं अच्छा हूँ। हे डेव। हे। हे, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। पॉलिना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें आइलैंड पे कैसा लग रहा है? अद्भुत, हमेशा की तरह। हे टाइलर, मैंने ये टी शर्ट टोक्यो से ली है, तुम्हें कैसी लगी? इस पर लिखा है मैं अमेरिका का 51 नंबर का विकृत व्यक्ति हूँ। उस दुकानदार ने तुम्हें बना दिया। बदमाश। उस बेचने वाले ने मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छी टी शर्ट है। और वैसे भी जापानी भाषा सीखना आसान नहीं है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं जानता, लेकिन थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ डॉलर और सेंट बोलता हूँ, जिसे हर कोई समझता है। सही कहा ना? तो क्या हम वैसे ये किस बारे में विरोध कर रहे हैं? जिस जगह पर हम जा रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं, वहाँ लोकल लोग नहीं आते हैं। देखो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, उधर कोई बात, तुम्हारी गाड़ी आ गई। पेपे, ये सब क्या है? क्या ये आपको पसंद नहीं है? सभी गाड़ियां बुक हो चुकी हैं और आप हमेशा ही पैसे बचाने के लिए कहते हैं बॉस। मेरे भाई ने अच्छी डील दी है। तुम सिर्फ इनकी मदद करो। ओके ओके, छोड़िए ये सब। चलो आ जाओ प्लीज। ये स्थानीय लोग विक्री का विरोध क्यों करते हैं जबकि वो वहाँ जाते भी नहीं? वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कुछ लोग गायब हो गए थे, काम करते करते जापानीज द्वारा मारे गए थे। वो शायद वहाँ स्मारक बनाना चाहते हैं। अगर हमने जमीन खरीदी तो हमें भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओह, तो तुम लोगों ने अच्छा होमवर्क किया है। हाँ? जापानीज के यहाँ आने से पहले ये एक पवित्र दफन भूमि थी। आरंभिक स्पेनिश उपनिवेशों में वे बीमारियाँ बुरे लोग लाए।
उससे हमारे बहुत लोग मारे गए। जो भी हो, मूल बात यह है कि वो जापानी ही थे जिन्होंने इस भूमि को अपवित्र किया। अब ये सिर्फ एक प्रमुख सम्राट। पैपे, सच कहूं तो ये जगह मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी और ये मुझे बहुत पसंद आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीजें ऐसी ही है, कोई भी स्पेनिश की कदर नहीं करता। इसको किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की, सब लोग अपनी मर्जी का ही करते हैं। ये जगह बहुत ही सुंदर है। अगर ये कब्रिस्तान है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पे सम्मान से आना चाहिए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि ये श्राप है। यहाँ के कुछ अंधविश्वासी लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि ये भूमि श्रापित है, पर ऐसा नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अद्भुत जगह है ये तो। यहाँ पे लोकल स्टाफ हायर करना बहुत मुश्किल होगा। तुम उन्हें पैसों का ऑफर करो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा हमेशा डर से जीतता है। हर जगह ऐसा नहीं होता बॉस, प्यार से भी लोगों को जीता जा सकता है। दरवाजा खोल दो पेपे। मुझे अपने कमरे में इनमें से एक सेट मिला था, लेकिन वे इनसे काफी अच्छे थे। इसे वुडू डॉल कहते हैं। ये बहुत लकी होता है। हर बार नहीं। लगता है इसे मन्नत के लिए बांधा गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हमें बाहर ही रहना चाहिए। गाड़ी अंदर ले लो, थोड़ा ऊपर जाना है। पेपे, वाकई ये जगह बहुत कमाल की है। जैसा मैंने कहा था वैसा है ना? हाँ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जिनको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर पेड़ काटने की मशीन मिलेगी? बस लगभग 2 मील पीछे सच ही में? है। इसकी खूबसूरती का राज ये है कि यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता, इसीलिए तो डेवलपमेंट करना महंगा पड़ेगा। सही कहा। तो मॉर्गन ने तुम्हें सब बताया होगा। एक प्यारी सी छोटी खाड़ी है झरने के रास्ते में। हे डेव, तुम्हें एलन एक झरना दिखाने वाला है। तुम्हें जो कुछ भी मिले लेकर आ जाना। टायलर और मैं नीचे बीच पर जा रहे हैं। 1 घंटे में हमें वहीं पर मिलो। मैं सोच रही थी 2 इन्फिनिटी पूल बनाऊं इस डायरेक्शन में, वी शेप स्ट्रक्चर में, ताकि बालकनी का व्यू बहुत अच्छा हो। नेचर के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। तुम तीनों के बारे में सोच सकती हो। एक तरफ जंगल है, बीच और पानी के ऊपर। तुम इसे रोमांचक बना सकती हो और हनीमून्स पर आए कपल्स को आकर्षित कर सकती हो। सिंपल। लेकिन हमें पेड़ की कटाई भी तो करनी होगी। तुम लोगों का ध्यान नेचर की तरफ भी ले जा सकती हो। अच्छी जगह है, लेकिन एलन को 1 इंच भी मत देना अगर कीमत चाहिए तो। तुम एलन को कब से जानती हो? ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अद्भुत, मैंने पहले इस प्रजाति को कभी नहीं देखा। तुम लोगों में से किसी ने देखा है? हाँ, पागल अमेरिकन्स।
ये क्या चीज है? तेल H20 मास्टर है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, इसमें खुशबूदार गुण। मैंने जो कहा था उसे भूल जा। तो तुम्हें मेरी पसंदीदा जगह मिल गई। क्या सोचा तुमने? ये जगह बहुत अच्छी है लेकिन ये इतनी दूर है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुश्किल होगा। बहुत। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ये जगह 5-star रिसॉर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, डेव के पास एक फोटोग्राफर की आंखें हैं। वो सब तो ठीक है डेव, क्या हमें कुछ एरियल मिल सकता है? सोचा था तुम कभी नहीं पूछोगे। ये है XHM ड्रोन, अत्याधुनिक और उड़ने के लिए तैयार। हमारे पास 1 घंटे के अंदर इस जगह की सारी फुटेज होगी। अच्छा डेव, क्या वो लास्ट सेक्शन फिर से देख सकते हैं? ठीक है, ज़ूम करो। तुमने तो कहा यहाँ कोई नहीं आता। मेरे हिसाब से वो घुसपैठी हैं। देखकर लग रहा है ये किसी खास जगह पर जा रहे हैं, शायद बंकर की ओर। बंकर? ये सिर्फ एक मशीन गन का घोंसला और कुछ नहीं। हमें देखना होगा। ये लैटे पत्थर है, लगता है ये खंबे थे और इस पे दीमक लग चुके हैं। नहीं, ये ऐसे ही हैं। और ये पवित्र भूमि में जाने का रास्ता दर्शाते हैं। एकदम सच है ये बात। सच में? ताओ ताओ मोनस, यहाँ की बहुत ही अजीब चीज है ये। जब घुसपैठिए बिना इजाजत यहाँ आते हैं तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इन्हें हाथ मत लगाना। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। देखो, अगर तुम इसे कल्चरल वैल्यू के लिए रखना चाहते हो तो रख सकते हो, या फिर टेनिस कोर्ट के लिए भी रख सकते हो। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। Hey, ये एक प्राइवेट जगह है, निकलो यहाँ से। पेपे। हाँ देखता हूँ बॉस। ओए, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे तुम उस दाढ़ी वाले आदमी को देख रहे हो? उसके पास पिस्तौल है। क्या तुम्हारे पास सच में गन है? वो झूठ बोल रहा है, उस पागल को डराने के लिए। क्या ये उसकी बात समझेगा? हाँ, मेरे हिसाब से तो समझना चाहिए। जाओ यहाँ से। तुम अगर समझदार हो तो अपने पुरखों की चेतावनी को समझोगे। चलो। क्या कहा उसने? अंधविश्वासी बातें, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो
तुम्हें क्या लगता है ये कितना गहरा होगा? हो सकता है 10 फीट या फिर 1 माइल। ये कैसी आवाज है? कुछ भी नहीं है डेव। मेरे हिसाब से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। दरवाजे पर दीवार बांधकर हम अपना काम खत्म कर सकते हैं। तुम क्या कहते हो? अगर ये संपत्ति के नीचे आती है तो यहाँ कुछ भी बनाना मुश्किल है। देखना ही बेहतर होगा। हाँ चलो। यहाँ और सर्वे की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास उतने औजार नहीं है। हाँ, टाइलर की बातों में दम है ना? सुनो, क्यों ना हम खुदाई करने के लिए एक टीम किराए पर ले लें? हाँ? थॉमस अननोन प्रॉपर्टी के लिए हाँ नहीं कहेगा, हमें पता होना चाहिए नीचे क्या है। तो तुम पे ही छोड़ते हैं क्यों पॉलिना? चलो चलते हैं डेव, हम अंदर जाएंगे, तुम आगे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करो। मुझे तो लगा ये बस मशीन गन बंकर है। हाँ मैंने यही कहा था। और तुम लोगों ने कभी चेक नहीं किया? काफी ठोस है ये। मैं आश्चर्यचकित हूं कि नौ सैनिकों ने स्मृति चिन्ह के लिए जगह नहीं छीनी। अब किसे पता, शायद उन्हें भी ये जगह मिली हो। लगता है यहाँ पे किसी ने अपने आप को साफ नहीं किया। शायद कोई सच में भूखा रहा होगा। अरे ये कितनी दूर जाता है? हाँ हम भी तो वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है चलो देखते हैं। चलो भी। बॉस आप आ रहे हैं? हाँ हाँ।
ये एक असली लाश है। हाँ, हम भी देख सकते हैं डेव। सुनो, मुझे पता नहीं था नीचे इस तरह का कुछ होगा। अवशेषों की देखभाल के लिए हमें यहाँ एक पूरी टीम की जरूरत होगी। अब समझ आ रहा है? अब पॉलिना, पॉलिना मेरी बात सुनो। डेव, डेव, चलो चलो चलते हैं। कितने लोग मरे हुए हैं? ओह माय गॉड, पर एक औरत ऐसी जगह पर क्यों आएगी? हो सकता है वो एक कैदी हो, एक जासूस। इसने स्लैक्स पहना है, 40s में स्कर्ट्स पहनते थे, शायद उसके कपड़े तहस नहस हो गए। क्या ये सब कुछ मायने रखता है? पेपे, अभी अभी मैंने कुछ सुना। भूत है क्या? एक भूत? सच में? हाँ, शायद। ऐसा नहीं हो सकता, चलो देखते हैं। ये कौन है? हेलो, यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, कहता हूँ। जाओ, ये सब क्या है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुमने उसे मार दिया? चुप हो जाओ। नहीं, ये अभी सांसें ले रहा है। तुम हमें क्या बताना चाहते हो? चलो मुझे कैमरा दो डेव। दो कैमरा मुझे। हेलन, तुमको मरना पड़ेगा। वो मैंने आत्मरक्षा में किया। उसने मुझ पर हमला किया और मैंने उससे खुद को बचाने की कोशिश की। फिर जब हमने उसे ढूंढा तब वो लगभग मर चुका था। उसकी तरफ देखो। उसे तुम्हारा नाम कैसे पता? ये मुझे कैसे पता? शायद उसे सालों पहले यहां नीचे बंद किया गया था। बकवास मत करो डेव। किसे फोन कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूं। मुझे वो शापित कैमरा दे दो। दो मुझे कैमरा। हेलो, मुझे कैमरा दो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो कैमरा। ओह माय गॉड, अब ये क्या हो रहा है? ये सब क्या? हमें यहां से निकलना होगा। टायलर, चलो जल्दी। हाँ।
सब लोग ठीक है ना? शायद फिलहाल तो ठीक है। ये लाइट किसने चालू की? क्या हो रहा है यहाँ पे? इससे पहले कि ये फिर से हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुमने मेरी लाइट तोड़ दी, अब तुम्हें ही पे करना होगा। चुप रहो। वो बूढ़ा आदमी चला गया। मतलब वो मरा नहीं था। और वो बाकी दो भी चले गए। ये सब ठीक नहीं है। चलो हमें निकलना होगा। लेकिन यहाँ तो देखो, तुम मजाक मत करो। अब क्या है? ये हिल भी नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? डेव, मतलब किसी ने हमें बंद कर दिया। हे, कोई है क्या बाहर? कोई है क्या? कसम से हमने इसे खुला रखा था, हमें यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए था। किसी के फोन में सिग्नल आ रहा है। अब सब बनेंगे। तुम दोनों ने उसे चिढ़ाया था, इसीलिए उसने हमें यहाँ बंद कर दिया। कोई है क्या? खोलो, हम यहाँ अंदर हैं। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। डेव, 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ डेव। ओके, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस एक और रास्ता ढूंढना होगा, समझे? हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसके पास निकलने का कोई रास्ता होगा, बस दुश्मन ने उसे मारा ना हो, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। ये कैसी आवाज है? भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान, भगवान हमारी रक्षा करो। ये मैं हूं, मैं प्रार्थना कर रहा था। सोचा था तुम अंधविश्वासी नहीं हो। प्रार्थना करने में क्या बुराई है? ये मुझे परेशान कर रहा है, इसे बंद करो। मुझे माफ करना बॉस। डेव सही कह रहा है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए, शायद कोई दरवाजा है। शायद ये अलग कमरा है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल। ये निश्चित रूप से वही कमरा है, वही बेड, वही जगह। ये मुमकिन नहीं है। हाँ, मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि यहाँ के लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हों। यहाँ उन लोगों ने तब साफ किया होगा जब हम बेहोश होंगे। भूकंप और लाइट का आना ये 5 मिनट से अधिक नहीं था, और कोई रास्ता नहीं है। श्योर? इस तरह से सफाई में कुछ और दिन लगेंगे, जो मुश्किल है। शायद हम किसी और लेवल पर हों। कहना क्या चाहती हो? Like same floor plan, लेकिन हम किसी और मंजिल पर हों। लेकिन सभी परेशान क्यों? अरे तो परवाह कौन करता है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, चलो यहाँ से। वो सही कह रहा है। मैं इस तरफ जा रहा हूँ। नहीं, हमें साथ रहना चाहिए। मुझे जो भी करना है अपने हिसाब से करूंगा। चलो पेपे। एलन, इस तरह से हम अधिक जगह कवर करेंगे। पेपे। हाँ। यही कहीं बाहर का एक रास्ता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहां कोई रास्ता होगा। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हमें यहां नहीं आना चाहिए था।
ताऊ मोनाज गुस्से में है। मोना, मुझे लगा तुम एक आधुनिक इंसान हो पेपे। खाली आधुनिक इंसान ही सब कुछ नहीं जानते, ये आपने मुझे दिखा दिया है बॉस। क्या कहा तुमने? वो मेरी बात सुनो पेपे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत रास्ते से जा रहा हूं तो तुम बाकी लोगों के साथ जा सकते हो, फिर देखना वो तुम्हें कहां ले जाते हैं। नहीं बॉस, वो लोग सही रास्ते पर नहीं गए हैं, मैं बताता हूं। कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। चुप हो जाओ पेपे। तुम जापानीज जानते हो पेपे? क्या आप बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? तुम इसे काम करने के लायक बनाओ पेपे। सॉरी बॉस, पर टायलर जापानीज जानता है। टायलर, मुझे लगता है ये वहीं पड़ा था। डायरी है, तुमने देखा? वो कहता है मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं, मैं सपने में भी तड़पता हूं, मैं पश्चाताप करूंगा अपने जीवन के साथ, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है उसे रोक दिया गया। दोस्तों रुको, रुको, रुको। तुम लोग यहां अंदर कैसे आए, बताओ जल्दी। बंकर के दरवाजे से, लेकिन हम यहां फंस गए हैं। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? ये नहीं हो सकता, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्या ये तुम्हारी है?
नहीं 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 इंतजार करो, रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं। अब ये कौन है? ये आदमी अचानक से यहाँ आ गया और इसके पास बंदूक थी। मुझे लगता है हम सब भी मारे जाएंगे। शट अप। पता नहीं क्या होगा। ये हमें बाहर ले जा सकता था। उसे एक रास्ता मिला है। बकवास। सुनो, हमें एक रेडियो मिला है लेकिन सब कुछ उसमें जापानीज़ में है। मुझे वहां ले चलो। चलो। नहीं बॉस, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। ये देखो, ओके, डैम इट। मुझे कुछ मिला। ओह, ये जापानीज है। बहुत अच्छा, अब तुम उनसे बात करो। ओके, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई है वहां? कुछ नहीं है। ये रिकॉर्डेड संदेश है जिसे सिर्फ दोहराया जा रहा है। मैसेज क्या है? ये एक शाही आदेश है। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। आत्महत्या करने वाले नागरिकों को और लड़ाई में मरने वाले सैनिकों को समान आध्यात्मिक दर्जा मिलता है। देखो, कोई और फ्रीक्वेंसी ट्राई करो। मुझे कोई सुन रहा है? कैसे हो टाइलर? क्या क्या हुआ? एक ठहरी हुई आवाज। बहुत अच्छा, तुम कोशिश करते रहो, जस्ट ट्राई। इसीलिए मैंने कहा था कि एक प्रोफेशनल टीम को किराए पर लेते हैं। वो मेरा काम नहीं था। निरीक्षण के लिए अधिकारियों को लाने की जिम्मेदारी खरीदारों की होती है। मैंने इस संपत्ति को पाने का पहला मौका तुम्हें दिया, तुम्हारा पक्ष लेकर, वरना मेरे पास तीन और खरीदार थे, सभी ने हस्ताक्षर किए होंगे और एक टीम को काम पर रखा होगा जैसे वो करने वाले थे। और वो बेचारे भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते क्योंकि तुमने उनसे भी झूठ ही कहा होगा। रुको, तुम मेरी बात सुनो। इस समय बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हे डेव, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्या हम कहीं पहुंचे? नहीं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, यहां भटकती सारी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूं। मुझे माँ, तुम्हें मैंने पैदा किया था, इसीलिए मुझे तुम्हें मारने का अधिकार है। आ,
तुमने सही कहा मां, तुमने सही कहा। हमें किस रास्ते जाना होगा? इस रास्ते से। तो तुम लीड कर रहे हो? मैं जाती हूं। हे दोस्तों, ये पेपे कहां चला गया? शायद डरकर किसी कोने में छुप गया होगा। छोड़ो उसे। ये जापानियों ने नहीं खोदा है। हे शायद तुम सही हो। बहुत अंधेरा है। शायद यहां कुछ है। जगह के बारे में जानता हूं। मैंने चमारों की किताब में इसके बारे में पढ़ा था। यह प्राचीन प्रमुखों का कब्रिस्तान है। यह पहली बुजोबो कुड़िया है और उन्होंने एक प्राचीन प्रमुख और उसकी दुल्हन की आत्मा को पकड़ा था, इसलिए सभी गुड़िया जोड़े में आती हैं। उन दोनों की आत्मा को अलग करके एक अभिशाप बन गया था। उसकी दुल्हन को जमीन पर ऊपर रखा गया था, लेकिन उसके प्रमुख को यहाँ नीचे स्पेनिश कमांडर के साथ दफन कर दिया गया, जिसने अपने पहले उपनिवेश के दौरान चमारों के लोगों के साथ भयानक ज्यादती की। अपनी दुल्हन की आत्मा को प्रमुख से छीनने से उसको बहुत दुख हुआ और इस पीड़ा को कमांडर ने महसूस किया होगा, जो अभी भी यहाँ नीचे है और अभी भी जीवित है। मैंने आज तक कभी इससे बड़ी बकवास नहीं सुनी। लोगों के विश्वास ने ही उस दीवार को रंग दिया है। हाँ, विदेशी लोगों को डराने के लिए। शायद उन प्राचीन प्रमुखों के साथ दबे हुए खजाने। उस पागल बूढ़े के बारे में क्या कहोगे जिसने आप पे हमला किया? मुझे वो स्पेनिश नहीं लगा। वो क्या लिखा है? शायद ये क्षमा मांग रहा है। रिहाई, भाग जाना। क्लियर। चलो यहाँ से। एलन, पकड़ो इसे। हाँ, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, आराम से, आराम से, ठीक हो जाएगा। डेव, मुझे लगता है शायद ये खिसक गया है। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक करना जानता हूँ। सॉरी डेव, थोड़ा सा दर्द होगा। काश हम इसे वापस ले जा पाते। अरे, हमारे पास उतना समय नहीं है। हमें उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। Come on, Paulina। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे। एलन, तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाए तो वापस हमें लेने जरूर आना। चलो ठीक है, हम एक साथ रहेंगे। हे,
आराम से, आराम से। सर संभाल के। मैं इसके साथ रुकती हूँ, तुम लोग जाओ। एलन गलत है, वो श्राप एक सच्चाई है। तुम्हें आराम करना चाहिए। कोई है क्या वहां? ये कैसी जगह है? हम दोबारा उसी फ्लोर पर तो नहीं आ गए? मैंने यही तस्वीर पिछले कमरे में भी देखी थी। ये यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तुम फालतू की बकवास मत करो, समझ गए? कोई नहीं बच सकता। पेपे, ये सब क्या है? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? यहां गवाह मैं हूं। कोई ना कोई गवाह हमेशा होता है, ऐसा उसने कहा। किसने कहा तुमसे? मेरी मां ने। किसी न किसी को तो ये दर्द आगे देना होगा। मेरी बात सुनो पेपे, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एक, हमेशा हमेशा। फालतू बकवास कर रहा है। रुको, रुको। ताओ ताओ मोनास मेरी रक्षा करेगा। बकवास बंद करो। जाओ, इट्स ओके। बेहतर होगा चोट लग जाएगी। अपने बड़ों की सलाह मान लो, तभी तुम बच पाओगे। मेरा गला घोट रही थी। कौन? मेरी बहन, एक हादसा हुआ था।
कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ, मत बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है हमें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी? काश ऐसा ना हो। यह उस बूढ़े गांव वाले ने गुफा के बाहर रखा था। ये एक औरत है, वो आदमी यहीं कहीं होगा। अगर तुमने इन दोनों को जोड़ दिया तो शायद कि हम बाहर निकल पाएंगे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ऑर्डर 1944 का है, जब यूएस मरीन यहाँ कब्जा कर रही थी। ये टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें इतिहास का शौक है। मुझे लगता है वो बंदा जिसने खुद को गोली मार दी वर्ल्ड वॉर का एक ऑफिसर था। हाँ तो तुम कह रहे हो हम दूसरे फ्लोर पर नहीं है, हम दूसरी सदी में हैं। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी। तुम्हें यह ख्याल आया भी कैसे? क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, अपने आप से पूछो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, यह नामुमकिन है। पॉलिना, टाइलर, बेहुदा मजाक बंद करो, समझ गए? तुम्हें मरना होगा। ये जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम क्या सोच रही हो पॉलिना? सही कहा उसने, जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी गलती है। पॉलिना, कम ऑन, ये तुम्हें कैसे पता? अगर मैं नहीं कहती तो हम होटल में होते, हम ड्रिंक कर रहे होते और ये बात कर रहे होते कि एलन कितना बड़ा गधा है। तुम सब मेरी वजह से यहां पर आए हो। सही कह रही हो, एलन एक बेवकूफ है। तुम बाकी चीजों के बारे में गलत हो सकती हो, लेकिन एलन तो पूरी तरह से बेवकूफ है। डेव ने मुझे ये दिया, ये बाहर बूढ़े आदमी का छूट गया था। ये गुड्डे के साथ में जुड़ने वाली गुड़िया है, पता नहीं इसका गुड्डा कहाँ है। ये तो पेंटिंग वाली ही लग रही है। उसने कहा अगर हम इन्हें जोड़ दें तो फिर शायद हम बाहर जा सकते हैं। देखो, जैसा मैंने कहा कि मुझे लगता है हम दूसरी सदी में आ गए हैं, मैं कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चलो, शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। बकवास, बिल्कुल बकवास, ये बस एक भद्दा मजाक है जो कि वो कमीना कर रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत जादू टोना हुआ पेपे, अगर मर्द हो तो मेरे पास आओ। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए! पेपे, 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 वापस आओ, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। ओह,
पेपे मेरी बात सुनो। देखो मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, तुम उन क्रांतिकारियों में से एक हो ना, और तुम हमेशा से उन्हीं के साथ थे। मैंने सही कहा ना? मैं बहुत डर गया था, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम जीनियस हो। कम ऑन पेपे। हमें यहां से बाहर निकालो, तुम जो बोलोगे हम वही पुलिस को बताएंगे। मेरी बात सुन रहे हो पेपे? मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। ताओ ताओ मोनास, ताओ ताओ मोनास, ताओ ताओ। सुनो पेपे, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? ताओ ताओ मोनास, मुझे यहां से बाहर निकालो पेपे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मुझे सुन रहे हो? ताओ ताओ, बस अपनी कीमत बताओ। ताओ मोनास, ताओ ताओ मोनास, इधर देखो मोनास, इधर देखो ताओ ताओ मोनास, इधर देखो। नहीं बचेगा। मैं डेव से मिलकर आती हूँ। कौन है वहां पर? मामी, हाँ बेटा मैं ही हूँ। मामी मुझे ठंड लग रही है, मुझे माफ कर दो जैक, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मामी आप कहाँ हैं? मैं अब यहाँ हूँ, मैं यहीं पर हूँ बेटा, तुम्हारे पास। मुझे भूल गई थी ना? नहीं बेटा, मेरे पास आओ। तो मुझे मरने क्यों दिया? बोलिना, क्या बात है? मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को देखा। मेरी बात सुनो, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। ओके? मुझे नहीं पता था तुम्हारा बेटा भी है। वो 6 साल पहले गुजर गया था। माफ करो। वो 6 साल का था, हम लोग बीच पर थे और मैं वहां पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और मेरा ध्यान भटक गया। बस 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं रहा और
वो गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश बीच पर मिली, वो शायद डूब गया था। शांत हो जा। इसीलिए मैं किसी को डेट नहीं कर पाती, तुम समझ सकते हो ना। वाह 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 वाह, आखिर यहां चल क्या रहा है? गुफा के अंदर आशिकी हो रही है? तो इसीलिए तुम दोनों इतने अलग रह रहे थे? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मैं बहुत खुश होता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पर किसका अधिकार है। क्या कहा तुमने? यही कि ये मेरी रखैल है। उसके बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब क्या हो रहा है टाइलर? इस बात के लिए मैं तुम्हारी जुबान काट सकता हूँ एलन। टाइलर! मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा? उसने कहा कि तुम और वो। मेरी बात समझो, मैंने कुछ नहीं कहा। शांत हो जाओ। I'm sorry. तुम्हें चीजें सुनाई दे रही हैं। यह इन फौजियों के साथ भी शायद यही हुआ था। इस डायरी में लिखा हुआ है। ओके। उस अफसर और उसके दो जवानों की पोस्टिंग वर्ल्ड वॉर में यही हुई थी। उसका एक जवान पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। ये कौन सा रूम है? ये टॉयलेट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। काटो, ये तुम क्या कर रहे हो? बोलो। वो फंस गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुनो, मुझसे बकवास मत करो। सुनाई दिया तुम्हें? अपनी पोस्ट पे जाओ, जाओ। सर, मेल बोजोबो, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल बंद करो। ये बिल्कुल उस पेंटिंग वाली गुड़िया की तरह नहीं दिखती है क्या? उस बूढ़े आदमी से ये छूट गया था और डेव अंदर ले आया। उसका व्यवहार पागलों की तरह बना रहा। काटो, पागल हो गया है क्या? देखो, उन्होंने गहना से तहखाना ढूंढ लिया, वही तहखाना जहां से श्राप की उत्पत्ति हुई थी। तुम्हें
ये सब क्या है? ये सब मुझे कैसे पता होगा? आगे हो पर जाओगे नहीं यहाँ से। साइफान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फिर उसने क्या कहा? उसने आगे फोनेटिकली लिखा है कुछ, देखता हूँ। सोलो इनो वेदे वीवर। सोलो उनो पियोरे वीवर। ये स्पेनिश है। सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। जापानियों को आखिरी तक लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने वही किया। लेकिन जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी दम लगाओ। कोई रास्ता नहीं है तेरी तो। यहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहे हो? बकवास, उठ जाकर वहाँ चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो मार दूंगा तुझे। काटो। हम नहीं बच सकते। काटो, चाकू नीचे रखो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस समय जिस परिस्थिति में हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। क्या हुआ? अब आगे कुछ नहीं है। अब यह सब जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेरी बात सुनो, पेपे गुफा की दूसरी तरफ चला गया। उसने रेडियो को तोड़ डाला और खुद को भी काट लिया। पता नहीं अब किसकी बारी है। मेरी बात मानो, तुम दोनों यहीं पर रुको और जब तक मैं ना कहूं कहीं नहीं जाना। मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम्हें लगता है पेपे हमें मार सकता है? पता नहीं। आखिरी बात जो उस ऑफिसर ने कही कि मैंने एक इंसान की जान लेकर गलत किया है, मुझे मर जाना चाहिए। इधर देखो, लगता है मेरे पापों की माफी नहीं है। आखिर कब तक इस नरक में अकेले रहना पड़ेगा? हमें उस कमरे को ढूंढना होगा। नहीं, ओह माय गॉड, डेव। ये नहीं हो सकता। ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ,
क्लेरा कौन है? उसकी मरी हुई बहन। पेपे के पास, पेपे के पास एक चाकू था। एलन ठीक कह रहा था। शायद जनरेटर बंद हो रहा है। चलो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मेरे पीछे रहो। ताओ ताओ मोनास, सब तुम्हारे भरोसे है। ताओ ताओ मोनास, हमारी रक्षा करो। ताओ ताओ मोनास, हमसे गलती हो गई। ताओ ताओ मोनास, हमको माफ कर दो। ताओ ताओ मोनास, हमसे गलती हो गई। ताओ ताओ मोनास, हमको माफ कर दो। ताओ ताओ मोनास, तुम महान हो। ताओ ताओ मोनास, हमसे गलती हो गई। ताओ ताओ मोनास, ताओ ताओ मोनास, ताओ ताओ मोनास, ताओ ताओ मोनास। मैं नाइट विजन लगाता हूँ। मुझे लगता है शायद वहां कोई है। देखो ध्यान से, शायद शायद कोई लड़की है। देखो कुछ दिखा। कहां? वो शायद हमारी तरफ आ रही है। इधर ही आ रही है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आगे मत जाना। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। वहाँ पर कोई नहीं है। तुम ध्यान मत दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कोई नहीं है। देखो, ठीक है? मैंने उसे देखा। It's okay. सब ठीक होगा। हम लोग बाहर जाएंगे साथ में। क्या है ये सब? हाँ।
जरा तुम देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इट्स ओके। तुमने उसे दोबारा देखा? हे सुनो, जैसा तुमने कहा ये सच नहीं है, ओके? दो, मैं कोशिश करता हूं। ज्यादा बदबू आ रही है। चलो शुक्र है कि मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया। टेव मर चुका क्या? मुझे लगता है पेपे ने उसे मारा। नहीं, वो मैं था बेवकूफ। टाइलर, टाइलर, आंखें खोलो, मुझसे बातें करो, आंखें खोलो। क्यों? तुम्हें लगता है मैं यहां तुम सबके पागल होने का इंतजार करूंगा ताकि तुम मुझे मार दो? नहीं 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 पॉलिना, पहला वार मैं करूंगा। चलो आ जाओ। रुक जाओ, वापस आओ, अब तुम्हारी बारी है। सुना तुमने, तुम्हारी बारी है। सुना तुमने, तुम नहीं बचोगी, तुम मरोगी। सिर्फ एक ही बच सकता है, तुर्मेंतो पारा तो दोस, बाकी सब तड़पेंगे। टेस्टिगो पूरे तेरनीताद अंतकाल तक देखते रहेंगे, अंतकाल तक तड़पते रहेंगे। अब समझे तुम पॉलिना, स्पेनिश लोग यहाँ आए थे सबको गुलाम बनाने, लेकिन बाबा उन्हें ही गुलाम बना दिया। पिछले 300 सालों से वो लोग गुलाम हैं। ये तुम्हें कहां से मिली? बूढ़े बाबा से छूट गई थी, डेव ने उठा लिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ खत्म हो सकता है, इस श्राप से छुटकारा पाकर हम आजाद हो सकते हैं। मेरे पूर्वजों को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम पैदा भी नहीं हुए थे। हम तब भी पैदा नहीं हुए थे और अब भी नहीं। इस जगह ये बात मायने नहीं रखती। हम इतिहास में इसलिए आए ताकि वो जो वो साथ रह सके। हाँ, ताकि वो साथ रह सके। वो साथ रहना चाहते हैं।
मुझे जो आदेश मिला है मैं वही करूंगा। डरो मत जाने मन, तुम्हारी बारी भी आएगी। कुछ ठीक नहीं होगा। हमारे पास मौका था। हाँ मिला था, लेकिन सिर्फ मुझे। मैं गाय ताऊ ताऊ हूँ, ये आत्माएं मेरी हिफाजत करती हैं। समझे नहीं, बचेगा तो सिर्फ एक ही। तू बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं पॉलिना। हार मान लो पॉलिना। सिर्फ मैं ही जिंदा रहने वाला हूं। तो तुम वहां हो, पॉलिना, पॉलिना, तुम मुझसे नहीं बच सकती पॉलिना, बाहर आ जाओ। पॉलिना शांत हो जाओ, ओके? मुझे तुम्हें अभी के अभी गोली मार देनी चाहिए पॉलिना।
नहीं, ऐसा मत करो। ये जो कह रहा है वो सुनो। हमारे पास मौका था, हमारे पास मौका था। पॉलिना, कमीनी औरत, नहीं रुको, नहीं यहां सिर्फ कोई एक ही बच सकता है। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं भी। सोच क्या रहे हो, मार दो उसे। मुझे नहीं लगा था तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी। शाबाश टाइलर। टाइलर, तुम जीत गए। तुझे अभी समझ भी नहीं आया मतलब ही कुत्ते नहीं समझे। तू जिंदा बच के हार गया है। स्वार्थी कहीं के, ये तुम्हारी हार है। तुमने सबसे ज्यादा खोया है। तुम्हें यह सब जाना पहचाना नहीं लग रहा है। हम यहां इस अंधेरे कमरे में 70 साल पहले कुछ Ah.
मैं बच गया, मैं जिंदा हूं। वाओ वाओ, वाओ, मैं जीत गया। यहाँ नीचे और कितने लोग मरे हुए हैं? लेकिन एक औरत यहाँ पर क्या करेगी? हो सकता है शायद कोई कैदी या कोई जासूस। हमारे पास मौका था। तुम जीत गए बॉस, लेकिन तुम समझे नहीं। सबसे ज्यादा तुम ही हारे, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी इंसान। अब तुम्हें भी मरना होगा। नहीं 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 नहीं, ये 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 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं 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 नहीं। नहीं! 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 Hey, बोलो कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। मरना होगा।